नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पोस्टमैन, मेल गार्ड के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो ये सेम रहता है दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, इन सभी के लिए समान रहता है। तो टोटल मार्क्स की हम बात करेंगे, इसमें टोटल मार्क्स दोनों में 25-25 होते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 60% चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 60% 25 का होता है दोस्तों 15। और OBC AWS इनके लिए भी दोस्तों 60% चाहिए, कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ पे 15 चाहिए इन सभी के लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम SC ST और PWD, इन सभी को दोस्तों चाहिए 50%। तो कैलकुलेट हमने यहाँ पे किया है 12.5 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, कितने में से 25 में से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कितने की को आपको प्रेस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे PSA की। तो इसमें दोस्तों 800 की आपके पास होगी, और टाइम वहाँ पे आपके पास 15 मिनट का दिया जाएगा। तो 15 मिनट में दोस्तों आपको 800 की को प्रेस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टमैन मेल गार्ड की। तो यहाँ पे आपके पास 600 की, यानी 200 की कम होगी पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, टाइम पूरा दिया जाएगा आपके पास 15 मिनट का। तो की आपको प्रेस करनी है 600 और PSA में करनी है 800। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें यहाँ तक आपने समझ ली होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, और साथ में प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने पोस्टर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाना है, या फिर इसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। जैसे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा, इस तरीके से आपने जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको लिंक दिया जाएगा डेस्क फॉर PSA एंड पोस्टमैन। तो यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करना है, और इसको जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके जो आपका लैपटॉप है या फिर PC उसमें ही दोस्तों ये डाउनलोड होगा। तो क्लिक हेयर पे आपने चले जाना है, और आपके पास नई विंडो इस प्रकार से ओपन होगी। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो जैसे ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से दोस्तों आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से आ जाता है। सबसे पहले रोल नंबर है, नाम, और जो आपकी कम्युनिटी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले आपने केयरफुली आपने अपना रोल नंबर फिल करना है, जो आपका नाम है वो आपने डालना है, और बाद में आपने डालना है जो आपकी कम्युनिटी, यानी जो आपकी कैटेगरी है वो आपने डाल देनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो हमने वैसे आपको पहले भी बता दिया है, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये ड्यूरेशन रहेगी इसमें दोनों एग्जाम के लिए, अगर PSA का दे रहे हैं या फिर पोस्टमैन मेल गार्ड का दे रहे हैं, तो 15 मिनट हो गया आपके पास, और टोटल मार्क्स 25 होंगे, दूसरे नंबर पे ये बताया गया है, और 600 की पोस्टमैन में आपने प्रेस करनी है, और 800 की आपने PSA में करनी है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बताया गया है, जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ पे कहीं पैराग्राफ में, सेंटेंस में ऐसा हो, आपको कैपिटल लिखना पड़ सकता है, स्मॉल लिखना पड़ सकता है, या फिर कोई सिंबल हो, वो सब चीज़ें आपने केयरफुली आपने लिखनी है। चौथे नंबर पे बताया है, जो आपका रोल नंबर है, नाम है, कम्युनिटी है, उसको आपने अच्छे से फिल कर देना है। और जैसे ही आप ये सब चीज़ें फिल करते हैं, और साथ में स्टार्ट बटन, नीचे बॉटम में स्टार्ट बटन होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पांचवे नंबर पे भी वही बताया गया है, स्टार्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी सब चीज़ें वैसे हमने यहाँ पे सब चीज़ें आपको बता ही दी है, और जैसे ही आप सब चीज़ें, नौवे पॉइंट पे ये लिखा गया है, जब आप सब चीज़ें प्रेस कर देते हैं 15 मिनट से पहले कर सकते हैं, फिर आपके पास रिव्यू के लिए आता है, जो पैराग्राफ है रिव्यू के लिए आता है, तो आप उसको दोस्तों करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा था या फिर कैपिटल लिखा था, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो बाकी सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 12वें पॉइंट के नीचे आपने
टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड दैट आई हैव रीड ऑल एवर इंस्ट्रक्शन, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमने पढ़ ली है, नाम अच्छे से डाल दिया है, कम्युनिटी सब चीज़ें हमने अच्छे से कर दी है। तो उसके बाद आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम करते हैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद। तो स्टार्ट टेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो नई विंडो आपके पास इस प्रकार से ओपन आएगी। थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास लिखने के लिए आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आया है विजन एंड मिशन ऑफ इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए विजन में वी बड़ा है, मिशन में एम बड़ा है, इंडिया में आई बड़ा है और पोस्ट में भी पी बड़ा है। तो उस तरीके से हमने लिखना है, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, सब चीज़ें हम अच्छे से लिख रहे हैं और जो भी चीज़ें बड़ी है छोटी है उस तरीके से आपने लिखना है। अगर आप बिल्कुल एकदम से ऐसा ही करेंगे आगे करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो इसके बाद जैसे ही लास्ट में दोस्तों डॉट आएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपके पास आएगा नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आपने तभी करना जब आप पहले पैराग्राफ को लिख लेंगे। तो उसके बाद आपके पास इस प्रकार से आएगा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास दिया गया है, इसके बाद इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल बी कस्टमर फर्स्ट चॉइस, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। जो भी कैपिटल में है वो आपने कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके अच्छे मार्क्स होते हैं पेपर वन में और पेपर टू में अच्छे मार्क्स नहीं होते, वो भी एक छोटे से एग्ज़ाम की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, अच्छे से देना है इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो चैनल पे फर्स्ट